बिहार के विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी जो कांग्रेस के विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में एपीएमसी एक्ट को लेकर, किसानों के हित को लेकर हमारे साथ कांग्रेस विधायक शकील अहमद है। शकील साहब, आप लोग आज किसानों के हित के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, एनडीए सरकार जवाब दे, मांग कर रहे हैं कि शोषण बंद करे, क्या लगता है सरकार लगातार एपीएमसी और मंडी एक्ट को खत्म कर रही है बिहार? भारत सरकार, बिहार सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के किसानों के हित की रक्षा करने में फेल हो चुके हैं। 750 किसान धरना प्रदर्शन देते देते मर गया। एमएसपी का कानून ये नहीं बना पा रहे हैं, जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए। और बिहार में तो हद है, बिहार का किसान डीएपी को लेकर तरस रहा है और ये तरसता हुआ किसान चाहता है कि डीएपी की आपूर्ति, बीज की आपूर्ति समय पर हो सके। और जानते हैं उसकी वजह क्या है? केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को जो आपूर्ति समय पर देना चाहिए वो आपूर्ति समय पर नहीं हो रहा है। अगर आप फरवरी में पैदा दीजिएगा डीएपी, दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है। बिहार के साथ पूरा डिस्क्रिमिनेशन है। उत्तर प्रदेश में डीएपी का क्राइसिस नहीं है, राजस्थान में डीएपी का क्राइसिस नहीं है या दूसरे प्रदेशों में, बिहार में ये क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है। तो भारत सरकार बिहार के किसानों को खास तौर पे तड़पा रही है, इसी के खिलाफ हम लोग हैं। शकील साहब, दिल्ली में देखा गया कि किसानों के दबाव के प्रदर्शन के कारण सरकार ने बिल वापस लिया, बिहार में क्या कमी है आज भी इस तरह के प्रदर्शन की कि सरकार अपने फैसले को बदल नहीं पाए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जन आंदोलन के माध्यम से किसानों का जो जन आंदोलन होना चाहिए वो यहाँ अभी कम है, लेकिन गूंज तो चारों तरफ है, अन्नदाता तो हर जगह है। बिहार में भी 80% लोग किसान से जुड़े हुए हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं, उस कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ी बनती है, मतलब उसका होना चाहिए किसानों का आंदोलन हर तरफ से। जब किसानों का आंदोलन बड़े पैमाने का, लेकिन जहनी तौर पे दिल्ली के किसानों के साथ या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जो एजिटेशन चल रहा है उसके साथ कांग्रेस पार्टी और बिहार का किसान भी है। सर, सदन में जो आवाज़ उठती है उस पर जमीन पर जो लोग रहते हैं काफ़ी बूस्टअप होते हैं। दो दिन और बचा हुआ है विधानसभा सत्र में, क्या लग रहा है आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो लोग जो जमीन स्तर पर है? हर रोज जो हम आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग अपने क्षेत्र से एक तरह की शाबाशी भी मिलती है और वो चाहते हैं कि नहीं जोर से उठाइए ताकि उनकी समस्या तो गाँव पंचायत की है ना, वार्ड की पंचायत है, तो वहाँ से आवाज़ आती है, उनको हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है लड़ने की और संघर्ष करने की क्षमता में उनको ताकत मिलती है। साफ तौर से हमारे साथ शकील अहमद साहब थे, कांग्रेस के विधायक है, और जिस तरीके से एपीएमसी एक्ट को लेकर, मंडी एक्ट को लेकर तमाम ये जो विपक्षी विधायक है विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि साल 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मंडी सिस्टम जो था उसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद आज फिर से एक बार लगातार इस तरह की मांग विधानसभा के भीतर उठती है। और मात्र दो दिन बचे हैं विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है, कल इसकी आखिरी दिन है, अब देखना है सरकार इस पर क्या कुछ विचार करती है। फिलहाल के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।